पेरेंट्स, हेलो चिल्ड्रन। तो उसका जो आज हम लोग ने पहला वीडियो देखा है बर्ड्स के ऊपर का, तो उसमें हम लोग ने पीकॉक का भी, पीकॉक बर्ड का भी सुना है, मैंने हम लोग ने देखा है। तो आज हम लोग पीकॉक बर्ड की एक्टिविटी करने वाले हैं, हम लोग आज पीकॉक क्राफ्ट करने वाले हैं। तो पहले क्या करना है आपको, एक कोई भी पेपर हो, ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने पेपर लिया वैसे ही ले लो, आपके पास न्यूज़पेपर हो, वाइट पेपर हो, कोई भी पेपर हो, ड्राइंग पेपर हो, तो उसके ऊपर आप ऐसे ये जो पीकॉक है आप उसका एक कटआउट कर सकते हैं, ये एक पीकॉक है इसका कटआउट कर सकते हैं, और फिर ऐसे इसको करके आपको क्या करना है, ये कटआउट करना है, फिर आपको ऐसे स्ट्रिप्स काटने हैं। ये देखिए, ये जैसे मैंने स्ट्रिप्स काटा है तो आपको ये स्ट्रिप्स काटने हैं ऐसे उसके पंख के लिए। फिर क्या करना है आपको, ये जो स्ट्रिप्स है इसके ऊपर आपको ऐसा ये गम लगाना है, ये आपको पूरा ऐसा गम लगाना है। गम लगाने के बाद ये जो दूसरा एंड है ये आपको ऐसे फोल्ड करके उसके ऊपर चिपकाना है। ये देखिए, ये आपको ऐसे चिपकाना है, तो आपका ये ऐसा दिखेगा, यहाँ आपका आप देख सकते हो, तो ये आपका ऐसा दिखेगा। ये करने के बाद आपको क्या करना है, एक बुक ले लो या फिर एक न्यूज़पेपर ले लो, तो ऐसे आपको बहुत सारे स्ट्रिप्स काटने हैं। जैसे मैंने ये दिखाए थे स्ट्रिप, तो ऐसे आपको एक ही कलर के अलग कलर के, जैसे मैंने ग्रीन कलर के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको न्यूज़पेपर के स्ट्रिप्स काट सकते हो और फिर उसको आप उसके ऊपर ग्रीन कलर कर सकते हो, और फिर ऐसे आप उसके ऊपर उसको पंख के जैसे, जैसे मोर अपना पंख फैलाता है, पिसारा फैलाता है, मोर पंख फैलाता है, वैसे आपको ये ऐसे सब जगह पे लगाने हैं। और फिर आपको क्या करना है, ये जो मोर है इसको आपको इसके ऊपर चिपकाना है। ये देखिए, ये जो है ये आपको इसके ऊपर ऐसे चिपकाना है। ये देखिए, ऐसे ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये चिपक गया ऐसे। तो ये क्या हो गया, ये जो पीकॉक है वो अपना जो पंख, मोर पंख है वो पूरा फैला रहा है। तो ये हमारा पीकॉक क्राफ्ट एक्टिविटी तैयार हो गया। आपको पहले क्या करना है, आपको ये पहले पीकॉक का कटआउट करना है, फिर आपको बाद में उसके ऊपर ड्राइंग, उसका उसकी बीक निकालनी है, उसके पैर निकालने हैं, उसके आईज़ निकालने हैं, फिर आपको ऐसे स्ट्रिप्स, लंबे स्ट्रिप्स काटने हैं। स्ट्रिप्स काटने के बाद में उसको एक एंड से दूसरे एंड कर फोल्ड करके चिपकाना है, और चिपकाने के बाद आपको ऐसे पूरी जगह पे, जैसे पंख कैसे हम लोग मोर पंख कैसे फैलाते हैं वैसे आपको ये चिपकाना है। वो चिपकाने के बाद में फिर आपको जो मोर का कटआउट है इसके ऊपर चिपकाना है, और फिर ये आपका क्या तैयार हो गया, मोर की पीकॉक एक्टिविटी, क्राफ्ट एक्टिविटी तैयार हो गई। थैंक यू। इसमें बच्चे क्रिएटिव बनते हैं और उनको अलग अलग कलर की पहचान होती है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। थैंक यू।